उत्तराखंड से हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां के एक तुलियाड़ा गांव के पास झाड़ियों में पाकिस्तान का झंडा, लाहौर बार एसोसिएशन का बैनर के साथ एक मोटी रस्सी से बंधे 100 से ज्यादा गुब्बारे बरामद हुए हैं। उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की है। इलाके में पाकिस्तान के झंडे के साथ गुब्बारे लगे मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय और केंद्रीय खुफिया एजेंसी छानबीन में जुट गई है। सामरिक दृष्टि से उत्तरकाशी संवेदनशील जनपद में आता है। उत्तरकाशी जनपद से लगी 122 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर चिन्याली सौण के तुलियाड़ा गांव में बीते वीरवार की शाम को ग्रामीणों ने गांव के नजदीक सफेद और हरे रंग के गुब्बारों को देखा। गांव वाले नजदीक पहुंचे तो उसमें पाकिस्तान का झंडा और एक बैनर जिसमें उर्दू और अंग्रेजी में लाहौर बार एसोसिएशन लिखा देखा। करीब 100 से ज्यादा गुब्बारे एक मोटी रस्सी से बंधे हुए मिले। इनमें कुछ गुब्बारों की हवा निकल चुकी है। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद स्थानीय खुफिया विभाग केंद्रीय एजेंसी हरकत में आई। केंद्रीय खुफिया एजेंसी भी इसका पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार 100 से ज्यादा गुब्बारे, पाकिस्तान का झंडा और बैनर कैसे उत्तरकाशी के तुलियाड़ा पहुंचे। इसका भी पता लगाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के लाहौर से उत्तरकाशी तक ये गुब्बारे, झंडा और बैनर पहुंच सकता है। तुलियाड़ा से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर चिन्याली सौण की हवाई पट्टी है, जहां भारतीय वायुसेना कई बार अभ्यास भी कर चुकी है। उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि गुब्बारे, झंडा और बैनर कैसे पहुंचा, इसकी पड़ताल की जा रही है। उच्च अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को भी इस बारे में सूचित किया गया है। जांच के बाद ही आगे एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।